मेजर मैटी का जन्म 11 जनवरी 1809 में बलोंगना इटली में हुआ था। उन्होंने 1865 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था। काउंट सीजर मैटी जी ने बताया है कि शरीर में रक्त और लसी का दो आवश्यक पदार्थ है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं तथा स्वस्थ रखते हैं। रक्त और लसिका के दुष्ट होने पर मनुष्य रोगी हो जाता है। मैटी जी ने यह सिद्धांत लिम्फ एंड ब्लड इज हेल्थ एंड वेल्थ प्रतिपादित किया तथा बताया कि विटिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कोज ऑफ डिजीज, यानी रोग का कारण रक्त और लसिका का दूषित होना ही है। मैटी जी ने डॉक्टर सैमुअल हैनिमन का साहित्य पढ़ा और इसका उन पर प्रभाव पड़ा। होम्योपैथी के सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर को ठीक बताया, यानी लाइक क्योर लाइक सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। मैटी जी ने स्विट्जरलैंड के पादरी पैरासेल्स का साहित्य भी पढ़ा। पैरासेल्स स्विट्जरलैंड में 15वीं शताब्दी में पादरी थे। वह दवा इलाज करते थे। पैरासेल्स ने औषधियों पौधों के स्पेजरिक असेंस से बनाई थी। मैटी जी ने इस पद्धति को पसंद किया और कहा कि कोहबेशन मेथड से बनाई हुई औषधियों की आधी शक्ति नष्ट नहीं होती है और यह आधी शक्ति रोगों को बहुत जल्दी ठीक करती है। मैटी जी ने पौधों के स्पेजरिक असेंस निकालकर उनको आपस में इस प्रकार मिलाया कि यह औषधियाँ तमाम मेटाबॉलिज्म को शक्ति प्रदान करके शरीर को रोग मुक्त कर देती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ केवल वनस्पति जगत के 115 पौधों से तैयार की जाती है। इन 115 प्लांट्स के स्पेजरिक सेंस को एक विशेष तरीके से आपस में मिलाकर 38 औषधियाँ बनाई गई है जो बॉडी के सभी सिम्टम्स को पर काम करती है। आज हम काउंट सीजर मैटी जी की जयंती के अवसर पर उनकी इस महान खोज के लिए हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी इस खोज के द्वारा मानवता का कल्याण करने का प्रण लेते हैं।